और बात करते हैं सिवनी की, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पारुल शर्मा ने बताया कि वर्ष 2014 से एक सोसाइटी उत्कल मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से जिला मुख्यालय में कार्यरत थी, जो कम समय में अधिक मुनाफे का लालच देकर लोगों से पैसे वसूल करती थी। तो वहीं वर्ष 2018 में यह कंपनी रफू चक्कर हो गई थी, जिसके बाद इसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिस पर समय समय पर दिशा निर्देश प्राप्त होते रहे हैं। तो आज इस कंपनी के मुख्य आरोपी महेंद्र पिता जमुना दास साहू को गिरफ्तार कर लिया गया है, और इसके साथ ही इसकी निशादेही पर चार अन्य साथियों को भी सिवनी से गिरफ्तार किया गया है। कुल 25 करोड़ की ठगी का यह पूरा मामला है। तो वहीं दो शिकायतकर्ता ऐसे हैं जिनसे 90 व 50 लाख रुपए की ठगी हुई है। ये सिवनी में सन 2014 से एक उत्कल मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कार्यरत थी, जो कि लोगों को कम समय में ज़्यादा मुनाफा देने के का प्रलोभन दे करके अपनी एजेंट्स के माध्यम से बहुत ज़्यादा राशि उनसे वसूल करती थी। लगभग 25 करोड़ रुपए इन लोगों के द्वारा वसूल लिए गए। इसके बाद सन 2018 में ये कंपनी यहाँ का अपना ऑफिस बंद करके भाग गई। इस पर 2019 में अपराध पंजीबद्ध हुआ, और तब से ही समय समय पर दिशा निर्देश प्राप्त होते थे, जिसके आधार पर अभी रिसेंटली इसके प्रमुख जो एक आरोपी है महेंद्र पिता जमुना दास साहू, झांसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो उन्हें गिरफ्तार किया गया, और उनकी निशादेही में चार अन्य जो उनके सह आरोपी हैं उन्हें सिवनी जिले से गिरफ्तार किया गया है। और आगे भी इसकी कोई लिंक है उसके लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, पता चले और कितने लोग आहत हैं इससे, कितने लोग की क्या राशि फंसी हुई है इसकी भी जांच जा रही है। करीब कितनी राशि? लगभग 25 करोड़ रुपये। जी अनिल जी, बताएं क्या मामला था और किस कारण से आए थे आप? अभी हम जिला कोतवाली से यहाँ पर त्रस्त होकर आए हैं, और यहाँ पे जो क्या नाम से महेंद्र साहू नाम से जो हम लोग इन्वेस्ट करते थे झांसी की कंपनी में जमा करवाते थे, तो उसमें मेरा सेल्फ 50 लाख और मेरे अन्य साथियों द्वारा कम से कम उस कंपनी में 25 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया गया, और आज सभी अपने अपने तुकान में लगे हुए हैं, कोई इस ओर ध्यान नहीं देता था। लेकिन 2019 में हम लोगों द्वारा FIR दर्ज यहां पर करवाई गई थी, जिसका आज हमको यहां बखूबी रिजल्ट मिला सभी लोगों को, और श्री नागोतिया जी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्रवाई की गई है। और कंपनी कौन सी थी ये? उत्तल मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। कैश ने उत्कल के अलावा भी दूसरी कंपनी का नाम बनाया है फर्जी तरीके से? नहीं, उत्कल के अलावा इसमें फर्स्ट में LRN इनकॉन के नाम से जानी जाती थी कंपनी।